हमारे आंगन पे पेपली जाकर पेड़ पात आपके बालम घर आ जाए जान ना दे सुफे। आप हमसे छोटी हो बड़ी हो लेकिन हमारी कौम की बेटियों में ताल प्यार देंगे। अच्छा लगो हम आहिन पाकिस्तान आया। कैसा लगो पाकिस्तान आके? खूब अच्छा लगो भाई। हाँ तेरे कहा नाम है? समीम। पहली दफा ही? हाँ पहली दफा। बड़ी बहन है? हाँ। तेरे कहा नाम है? रसीदा। कैसा लगो एक महीना घूम घूम के? खूब अच्छा लगो। हमारा तो एक महीना ख्वाब शाम गुजरगा आपका बिछड़ा तो मिलेगा अगले साल निशाने दे जा गूठे की। अनवर को मारे को ठाणेदार गुप्प तैयारी मत करियो। अच्छा और कहा सुना मैं भी एक मेवन को डू है के उजड़ खेड़ा फिर बसा हाँ। और बिछड़ा भी मिल जाए मरा ना मिल सा दान शाह चाहे जग कितना हो जाए। जीते जी उम्मीद रहे है कि इंशाल्लाह फिर मिलेंगा। हमारी बहन बैठी है साथ जो इनकी मेजबान है। आपको कहा नाम है? अफसीन। मैं तो तेरा ही दिल की दवाई करता हूँ। मैं तो वैद हकीम बने करता तो बेटा तू हमारा भी इलाज कर। अब हम सुखी है पता ना दोबारा मिलेंगे ना मिला हम तेरे बैठ चल दे रहा हूँ। इल्ले वहाँ बैठे ले ले बेटी ले ले उड़ कर हुआ ले ले ना बेटी ठीक है कोई बात नहीं यकीन कर ले मिलन का भेदन है तो जाने अल्लाह अल्लाह मैं खुदा की कसम खाते हो मेरा दिल में तुम ऐसी हो ये माँ जाई बहानों बिल्कुल मेरी माँ जाई हो वो ना है तुम कौन सा तेरी मेवा दे बहानों और सारी जिंदगी ऐसी आती रहे जैसे कि अपना सगा भाई के घर ठीक है खुश जाए भाई याद करते रहे। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मैं रियाज नूर मेयो और आप देख रहा हो रहबर मेवात को मशहूर प्रोग्राम मेवात मिलाप। मेवात मिलाप में हम उन मेहमानों ने शामिल कर रहा हैं जो कि बड़ी मेवात से छोटी मेवात में अपना रिश्तेदारन से मिलना वहाँ। आज मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है इस्लामुद्दीन भाई आयो है मेवात बोनवाड़ी गाँव सू जो कि हमारा गाँव सू तो कोई 7-8 या 10 किलोमीटर का फासला पर होगा कुंदन नंगला सू। हमारे ये जो प्रोग्राम है ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि सगा बहन भाई आपस में बैठ के एक घर में बतला रहा अपना दुख सुखन ने। आप हमसे छोटी हो बड़ी हो लेकिन हमारी कौम की बेटियों में ताल प्यार हाँ बहुत अच्छा लगा हम आहिन पाकिस्तान आया। अच्छा कहाँ नाम है आपको? मेरा नाम अरकुन है भाई। अरकुन कैसा लगो पाकिस्तान आके? खूब अच्छा लगो भाई। ऐसा तो ना लगे कहाँ चलेगा जाना ना ऐसा कैसे लगेगा भाई जब अपना बैठा आते हैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे अपने मेवात के गांव में डोल रही है ऐसा ही लग रही है हमने तो अपना ही मेवात में बैठा। कौन सा गोत की बेटी तो? छिरक लोत के। हाजी जोरा खान की बेटी है छिरक लोत बूचा को वो सब कहे मोहम्मद बास है वैसे मोहम्मद टिकाओ चादड़ा को ढाणा बबलेड़ी उनकी सही। तो आप पहले भी ही नहीं है? मैं जनाब के 7वां का आई हूं भाई। 7वां के खूब हिम्मत मारो इस माशाल्लाह 7 गेड़ा लगा मेरा खूब मोहब्बत मिले ही। हाँ खूब मिले भाई अपना बैठा तो मोहब्बत है जब ही तो आवा अच्छा ही। तहारे तो हूँ चाय वगैरह अदरक के ना पी जावे और पाकिस्तान में तो कोई नहीं चाय में अदरक गिरे ना तो हमने कैसे इनकी चास वहाँ में भाई। अब ऐसी एक हमने कोई ई थोड़ी एक हमने कोई सदा मदलवाणो महीना 20 दिन अलवावा ना तुम तीन कहती ना होगी शर्म कुमार हम अदरक गिर दे मैं हमारे कह रहा हूँ हमारी भावज ने आधा आधा पाव अदरक गिर दे चाय में नू नहीं छोड़े मैंने कि हम तो लगान में तो गिर रहे चाय में तो हम ना गिरे। छीन को खानो है और तहारा खाना में कोई ऐसा तो ना कि कहा करें पेट कैसे भरेंगे या तो होनी जार भरेंगे या ही नहीं भर रहे ना ऐसे कोई परेशान ना ऐसे कोई परेशान ऐसे कोई परेशान ना है भाई हमारे सामने। हाँ तेरे कहा नाम है? समीम। पहली दफा आई? हाँ पहली दफा आई। अब दोबारा भी आएगी? आएंगे दोबारा भी। अपना बक रिकॉर्ड तोड़ेगी जो 18 मरतबा आया तेरा ना आएंगे दोबारा जब कोई सासू मिल गई तेज तरार उन्हें हाँ दे फिर तो टाइम बताएगा ना। सही है पढ़ रही है ना? आप तो छोड़ दी पढ़ाई। कौन से क्लास में छोड़ी? 10 तो कर ली है। तहारी 10 हमारे 14 के बराबर समझ ले हूँ तालीम ना दे माने अगर तू 10 जमात पढ़ा दी तो हम समझ तो 14 जमात पढ़ा दी। सही है ये बड़ी बहन है। तेरे कहा नाम है? अरशीदा। अरशीदा शादी शुदा है? हाँ 7 बच्चा छोड़ के असल में शादी जल्दी कर दे माने यू मसला है। कहा नाम कौन सा गाँव में शादी हुई तेरी? जरहड़ा। जुरहेड़ा वो तो हम 3-4 किलोमीटर दूर है। हाँ, 4 गांव से भी 5-6 किलोमीटर दूर है। हम से 3 किलोमीटर दूर है। अच्छा सही जिंद गुजर रही है? हाँ अच्छी गुजर रही है खूब बढ़िया। तो उतार हो क्या हमें घास लेने के बगैर निकाह ना होए? हो गई ना उन दिन है निकाह ऐसे ही है हंसली को निबंधन ले ले। अच्छा हंसली के बगैर निकाह ना होए? हंसली पहरी तेने ब्याह में पहरी की ना पहरी और पावन में भी तो वो तम पहरी रखो आधा निकलो का
कड़ा में खूब पैर रख पाओ ना दुखा ना दुख आदत पड़ जावे ना हमारे ही तो कोई ना है ऐसे पुराने जो बुजुर्ग है ना पुरानी वो तो पहरे ही अरे भाई अब तो डेढ़ डेढ़ किलो कान नाल से ही पहरा इंडिया में हां डेढ़ डेढ़ किलो का सवा सवा किलो का तो आम सबन पे ही यहाँ सही तो इनके तो आप पहले आई पाकिस्तान हाँ पहली बार यार पहली दफा आई तो आसानी से आ जान दी तेरे शोहर ने हाँ कुछ ना कहे कुछ ना कहे अच्छा बहुत अच्छा तो अब हाज साहब ने कह रहे हो कि भाई ये छोरी की वजह से ना रुक रहा हूँ मेरा बच्चा ना छोटा छोटा सा घर है उनका दिल ना लग रहा ना दिल ना लग रहा व्हाट्सएप बात करा कर रोजी ना कर रहे हैं बात खत्म ना लो अब बवा को रोजी ने करवा दे अच्छा बहरहाल यही रहे भाई कि पाकिस्तान आना कौन सा सहज को है कि जिन नौकरी जाके तुम फिर वीजा मिल जाएगा सही बात तो अब जो भूते रहे रिश्तेदार हैं जिनसे तुम ना मिला अब हिन तुम तो हिन अंदर बैठी ही हूँ हर मिनट बाद कोई ना कोई मिलना है पड़ो बैठक भरी पड़ी तो आप भी पढ़ी कितने आठ अच्छा कितनी बहन है तुम पाँच वो भी सब पढ़ी है माशाल्लाह हाँ सब पढ़ी है और भाई कितना चार वो सब शादीशुदा सही सब बहन भाई शादीशुदा ये छोटी बहन यही रही है कैसा लगो एक महीना घूम घूम के हिन खूब अच्छा लगा हमारा तो एक महीना ख्वाब शाम गुजर गो बता तेरा खूब मन लगो खूब लगो मेरा अब तो जहाँ अपना बैठा हूँ मन तो लग ही जा आन से पहले जा सोचे ही कि जन पाकिस्तान कैसे होएगो ऐसो ये कि बस अच्छा लगो ऐसो ये जैसे सोचा करा के ऐसो होएगो सही तो हिन की रोटी वोटी देखी थे कितने चौड़ी रहे वहाँ भाई हमारे पक ही ना रोटी इतनी बड़ी रहे ही इनकी बड़े ही ना इतनी एक रोटी ना बड़े ना आपने जब अपना बेटान की शादी करी ही खूब दान धर्म लियो खूब लियो भाई लेता की ना छोरी लोग खूब दियो हाँ छोरी लोग खूब दियो जैसे इनका बेचारे इनकी किस्मत में हो वैसे खूब दियो और जैसे उन छोरान किस्मत बेचारा उन लोग खूब मिलो अच्छा हूँ जो सासू हैं वो अब बहून पे ऐसे ही करे हैं जुलम जैसे कि पुरानी करे ही अरे भाई अब ऐसा जुलम कहाँ रहेगा अब ना चीज सुपनान में भी ना अब अच्छा अब तो बहू ही सासु मन सही बात है हां तो सासुन पे बहू ही हुक्म जमा दे ना गरीब बहू ही सासु बन के रह रही है अब तो हां सही बहू ही और अल्टनो कह दे कर लगा बूढ़े फलाण काम है कि हमारे जो इन घरन की औरत है वो जंगल बड़ा में ना जामे ज्यादा वो अपना घरन को काम करें तहारे हुन भी ऐसे ही है कि या के काम करें इंडिया में तो खूब काम करा भाई इंडिया में ना है अभी ये सब खूब काम करा इंडिया में तो बल्कि एक आदमी मौज ले रहा और जनानी ज्यादा काम कर रही आदमी मौज ले रहा जनानी घणो काम कर रहा ऐसे ही है ना हां जास्ती है ना उन जनानी इनके साथ जास्ती है ना जास्ती है भाई इस्लामुद्दीन मौजूद हां बोनवाड़ी गांव से तो ये इनकी फैमिली हां बाजी जो इनका घर सो है या कि दो बेटी हाँ ये फैमिली के साथ आया हाँ और इन सो पाकिस्तान की मोहब्बत यू है कि ये 18 मरतबा ही ना आया और जो बाजी है वो कह रही मैं 7 मरतबा आई हूँ और जो हमारी ये बेटी हाँ ये दो पहली मरतबा आई हैं बल्कि तो लेकिन ये खुश होकर जा रही है इंशाल्लाह पाकिस्तान से कह रही कि हम बार बार आएंगे अभी एक तो बेचारी अभी अगले घर जाएगी सास सुबह के आन देगी कि नहा देगी जब तक ब्याह हो ने तो अपने सासू से मेरी बात करवा दिया पहले कह देंगे बात मैं वहाँ समझा दूंगा अच्छा अखीन तहारा भाई बैठा हाँ तो ऐसा कोई मसला ना है मैं जाऊंगी पाकिस्तान हम भी आपने कभी मेरा प्रोग्राम देखा वैसा या मोबाइल यूज ना करो अब्बा फोन में देख ले देखा मिलान हो रो तेरा भाई बेचारा जो बिछड़ा पड़ा हाँ जी हाँ अच्छी बात भाई आप ऐसे छोड़ रहा हो तो मिलान हो जाए बहुत शबाब नेक काम कर रहा है नेक काम कर भाई हमने तो ऐसा लगे पाकिस्तान ना हमने तो ऐसा लगे बिल्कुल ना हमारा ही भाई भाई बैठा है हमारी कौम बैठी है हम तो दोनों मुल्क हम तो अल्लाह से दुआ करें कि दोनों मुल्कन का राबता ऐसे हो जाए बिल्कुल जो दोनों मुल्क मिल के रहें ये तो तरक्की करें हम तो चाहें कि हमने तो इंडिया से भी प्यार उतना ही है तो पाकिस्तान से भी है क्योंकि हमारा भाई बैठा है और हम अल्लाह से यही दुआ करें कि हम तो दोनों इनकी हुकूमतन सुबी ने ये अपील करें कि ये वीज़ा खुलें आवाजाही बनी रहे दोनों मुल्क तरक्की करें हम तो बड़ा खुश हैं जी ये बात में बड़ो दुख हुए हमने जब ये जो है अब 4-5 साल जो है रास्ता बंद रहो हो अब वो अल्लाह का शुक्र है कि एक तरफ सुरा वीज़ा खुल हो गए भाई रियाज को इतना अच्छा काम सराहनीय काम है कि इतना
काम तो हर कोई ना कर सके जितनी मेहनत कर रहे हैं। अपनी गाड़ी सू हजार हजार किलोमीटर तक दूर जिनका भाई बिछड़ा पड़ा उनकी पतो करके बता रहे हैं हर इंसान को। और या का प्रोग्राम है बहुत सुने हैं उन, अच्छा बूढ़ा बड़ा जवान तबका का भी सभी सुने हैं, तो उनने भी थोड़ी जो जवान तबका का है ना उनमें भी ई जज्बा पैदा हुए हौसलों के भाई हमारा हूँ बैठा है फलानी जगह है। तो जो भूला हो जा ना अपना कुणबा कबीला ने उनके या भाई का जो प्रोग्राम है देखें तो उनके अंदर वो जज्बा पैदा हुए है कि भाई हम भी अपना अंशु मिलें वे आवें हम जावें, तो बहुत काबिल तारीफ है जी प्रोग्राम आपको भाई। आपको कहाँ नाम है? फजरी, फजर के वक्त पैदा हुए फजरी नाम है। जुम्मल पैदा वक्त नाम जुम्मल रखा। बल फजरी की सूरत है माशाल्लाह कुरान पाक में बेटा। अच्छा धनेटा की मैं धनेटा की नहीं मेवन की क्योंकि आपका बिछड़ा तो मिलेगा अगले साल निशाने दे जा गूठे की अनवर को मारे को थानेदार गुप्प तैयारी मत करियो। अच्छा और कहा सुनाओ बेटा। एक मेवन को डू है कि उजड़ खेड़ा फिर बसा और बिछड़ा भी मिल जाए मरा ना मिल सा दानशाह चाहे जग कितना हो जाए। जीते जी उम्मीद रह वे है कि इंशाल्लाह फिर मिलेंगा। हमारी बहन बैठी है साथ जो इनकी मेज़बान है। आपको कहा नाम है? अफसीन। अफसीना तू भी हूँ सोई तेरा नाम तो इंडिया वालों है पाकिस्तान की मत ना तेरा नाम तो भाई अफसीना वैसे अफसीना इंडिया का लोगों नाम है मेरे दादा अंधर और मेरा नाम। अच्छा दादा इंडिया का है। हिम कौन से गांव की बेटी है तुम? पढ़ाना की। कहां की? पढ़ाना चक पढ़ाना। अच्छा पत्तों की में। अच्छा वो पढ़ाना की। अच्छा अच्छा ये चाचा जाता है होनी बैठा है जी पढ़ाना में चाचा की बेटी है मेरी। सही तो आप हिम रह रही हो? हां ये आपको घर है जी। सही कैसे लगो मिल के मेहमान में? खूब अच्छे लगो। फिर नमाज जानते हैं हम तो रोक रहा है ना ये रुके हैं कहीं। अच्छा हम तो चाह रहा रुके ये तो छोटो ने तो मैं तो ले लेती इसलिए हम छोरी अपना पोता। अच्छा आप कभी ना गई? ना गई हमारे आंगन पेपली जाकर पेड़ पात अब के बालम घर आ जाए जान ना दे सु फिर अब जान बेचारी हो जो आन दिए को के नाम दे। हां ना ऐसा समझदार है डॉक्टर है। डॉक्टर है सही मैं भी डॉक्टर हूँ। बड़ी अच्छी बात है ना मैं तो तेरा ही दिल की दवाई करता हूँ मैं तो वैद्य हकीम बने करता हूँ तो बेटा तू हमारा भी इलाज कर जा जब तू वैद्य हकीम है। अब हम सुखी है पता ना दोबारा मिलेंगे ना मिले हम तेरे बैठ चल दे रहा हूँ यकीन कर ले दिलन का भेदन है तो जाने अल्लाह अल्लाह मैं खुदा की कसम खाते हो मेरा दिल में तुम ऐसी हो जैसे मेरी माँ जाई बहानो बिल्कुल मेरी माँ जाई हो वो ना है तुम कौन सा तेरी मेवा दे बहानो और सारी जिंदगी ऐसी आती रहे जैसे अपना सगा भाई के घर ठीक है खुश जायो भाई याद करते रहे हैं। जी नाजरीन प्रोग्राम आप लोगों ने देखो यकीनन ये प्रोग्राम आप लोगों ने ज़रूर पसंद आए होएगो और हमारे मेवन का रिश्ता नाता ऐसे हैं जैसे गूदड़ी इनका हड़ावा। तो ऐसे ही मेरा इन प्रोग्रामन ने अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर दियो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर यह प्रोग्राम पहुँचा। और इन प्रोग्रामन का एक ही मकसद है कि इनसे मोहब्बत बटे। आज वो दौर चल रहा है कि जहाँ पैकेज होने के बावजूद मुफ्त बात होने के बावजूद सगा बहन भाई आपस में साल साल भर रबता ना करें। और ऐसा मैं उन बहन भाई से जा के मिलूँ हूँ कि जो सिर्फ मेरी कौम के अलावा मेरा वो ना चाचा कहाँ ना ताया कहाँ। 1947 में पाकिस्तान बनो आज 76-77 साल को अरसा बीत गो और इन सोई मोहब्बत ने जगाने कोशिश करूँ। और यकीन मान लो बकिया यूट्यूबर इनकी तरियाँ घर बैठ कर ना बल्कि अपना घर से जाऊँ हूँ सिंध भी जाऊँ कराची भी जाऊँ मीरपुर भी जाऊँ इस्लामाबाद में जाऊँ पूरा पाकिस्तान का कोना कोना में जाऊँ हूँ अपनों खर्चों करूं अपना काम में छोड़ू हूं क्योंकि मैं समझू हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी नेकी है कि दूसरा इंसान का दिल खुशी पहुंचाना और दुनिया को सबसे बड़ा गुनाह है कि दूसरा यानी कि इंसान का दिल तकलीफ़ पहुंचाना। तो भाई मैं तो खुशी बांट तो डोलू हूं बाकी आप लोग मेरा इन प्रोग्रामन ने मेरी मेहनत कहा नज़र से देखो हो जो आप कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरा प्रोग्राम कहाँ सिमत में जा रहा है। बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़।